तो और भाई लोगों, आप सबका कैसा हाल चाल? तो फिर आज मैं जा रहा हूँ अपने बजर 150 का वो सर्विस कराने। ये मेरी बाइक की फर्स्ट सर्विस है और मैं इस लॉन्डे को लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको पहले बता दूँ कि मेरी बाइक कितने किलोमीटर चली है। अभी 633 किलोमीटर चल चुकी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर पे, जो यहाँ से गूगल मैप के अकॉर्डिंग 8 किलोमीटर कुछ बता रहे हैं। ठीक है, तो फिर वहाँ चलते हैं, देखते हैं। कीर्ति नगर पे मैं जा रहा हूँ। वैसे भी आप सब लोगों को पता ही है कि बजाज के सर्विस सेंटर का कितना ज्यादा नाम बुरा है। अब मैं जाता हूँ वहाँ पे, अक्सर रिकॉर्ड नहीं करने दिया जाता सर्विस सेंटर पे। तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँ जितना हो पाएगा। मतलब ये सोचना आप कि सर्विस सेंटर के अंदर थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड कर पाऊंगा, ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो भी मेरे रिव्यूज रहेंगे, जो भी चीज रहेगी, मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले चलते हैं, यही टाइम वेस्ट नहीं करते। भाई मैं ये कीर्ति नगर पे इस सर्विस सेंटर पे पहुंच चुका हूँ। केटीएम सर्विस सेंटर, यहाँ केटीएम सर्विस लिखा हुआ है और साइड में वो देखोगे आप उस साइड पे, तो वहाँ पे बजाज सर्विस भी लिखा हुआ है। अब ये दोनों साथ में क्यों है? क्योंकि भाई बजाज और केटीएम भाई दोनों पार्टनरशिप पे चले और ट्रायंफ भी पार्टनरशिप पे चले, तो इसलिए दोनों साथ में है। अभी तो लंच हो रहा है, अभी बस कितने रहे हैं? अभी तो वैसे 2 बज रहे हैं, अभी लंच टाइमिंग चल रही है। अभी जो भी है आगे देखते हैं, अपनी बाइक जाते हैं सर्विस होने में। फर्स्ट सर्विस है, अभी देखते कैसा रहता है एक्सपीरियंस, अंदर चल के देखते हैं। अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी तो यही नहीं पता। अंदर मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा? तो अभी जब तक हम क्या करें बता? हम क्या करें? तब तक हम भी सोच रहे कि जरा कोक कोक पी के आते हैं तब तक। तो भाई अभी हम ये जो इस जगह पे बैठे हैं, मीटिंग हॉल है बजाज सर्विस सेंटर का। और वैसे ही केटी में थोड़ा घुमा के फोन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जीवन भी बेस है। अभी लोग दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4 बे हैं यहाँ पे। 4 बे पे यहाँ पे अगर बजाज की बाइक बोलते हैं, यहाँ पे डोमिनर मेजोरिटी में बाइक सारे रखी हुई है और बस सब की 1-2 पड़ी हुई है यहाँ पे, और मैक्सिमम तो ड्यूक खड़ी है, आरसी खड़ी है यहाँ पे। और देखते हैं अभी तो हमें अभी बज रहे 2, 5 बजे तक के हमने टाइमिंग दिया कि 5 बजे तक की बाइक सर्विस हो जाएगी, तब देखते हैं। वैसे यहाँ का जो अभी मीटिंग हॉल है यहाँ पे सही है, मतलब अभी तक तो पंखा चल रहा है, कूलिंग है, सही है। बाकी जगह की तरह अभी जहाँ तक मैंने रिव्यू सुने वो बेकार रही है, आगे देखते हैं। तो भाई अभी जो मैं ये सर्विस करवा रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राइसिंग भी बता देता हूँ। फर्स्ट सर्विस है ये, तो इंजन ऑयल का मैंने यहाँ पे चार्ज लगा हुआ है और लेबर चार्ज लगा है। जो इंजन ऑयल का चार्ज है वो 410 रुपए का है और जो लेबर चार्ज है वो 75 रुपीज का है। इन्होंने उनको बोला था कि इंजन ऑयल एडिटिव पे डाल दो इसमें। तो भाई मेरे हिसाब से मैं अपना लेवल 2 तो इंजन ऑयल एडिटिव अभी मत डलवाना भाई, पहली सर्विस है। 2 सर्विस हो जाने को, 3 सर्विस हो जाने तो उसके बाद देख लेना, तब डलवा लेना। तो तभी मैंने मना कर दिया। तो कुल मिला के 485 रुपीज का मेरा खर्चा बैठ चुका है अभी तक में फर्स्ट सर्विस में। आगे सर्विस कहा था आपको? तो भाई मेरी बाइक लग चुकी है बे नंबर 4 पे। तो थोड़े स्नीकी शॉट्स में आपको दिखाऊंगा। तो भाई मेरी बाइक हो चुकी है सर्विस। तो जैसे कि मैंने आपको लेबर चार्ज बताया था 75 का, लेकिन उन्होंने 89 रुपीज का कुछ लिया था। तो मतलब कुल मिला के 500 रुपए के, मतलब 500 रुपए का जो पत्ता था खत्म हो गया पूरा। और रही बात इसकी, जो इंजन मैंने सबसे पहले इंजन ऑयल चेक किया था, जो इंजन ऑयल उन्होंने डाला था वही था बजाज का DTSI 10,000 20W50 का था, जो 410 रुपए का था वही डाला इन्होंने। और जो नॉर्मल सर्विसिंग में जो चेन क्लीनिंग होती है हर 500 किलोमीटर के बाद, और इंजन ऑयल चेंज करने का हो गया, और दूसरा मेरे बाइक में एक यहाँ पे जो स्टेयरिंग ये हैंडल पे थ्रॉटल पे वो लगा होता, कोई कांटे जैसा नहीं होता कुछ, वही ग्रिप जो था वो मैंने हटवा दिया क्योंकि हाथ में काफ़ी चुभ रहा था, हार्ड भी बहुत हो गया था। और क्लीनिंग पॉलिश और सब चीज़ हो चुका है। उन्होंने बोला था कि वो करना है कि मतलब अगर आपको कोटिंग करानी तो वो भी करा लो, लेकिन मैंने कराई नहीं क्योंकि मुझे पता था ये और भी ज़्यादा 1,000 रुपये ऊपर मांग रहे थे। लेकिन यहाँ की जो सर्विस थी मुझे ठीक लगी यार, मतलब काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई ये सर्विस है वो सर्विस है, यहाँ की सर्विस ठीक लगी है। बस एक चीज़ की कमी थी यहाँ पे कि जहाँ पे वेटिंग हॉल थी, वेटिंग हॉल पे वो नहीं था, पानी ही नहीं था। लेकिन जो KTM वाला है, KTM के वहाँ पे पानी था, वहाँ पे दे रखा था पीने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे से KTM सर्विस है, पहले KTM का है उसके बाद पीछे बजाज का है। KTM में थोड़ा अच्छा बनाया लेकिन बजाज का इतना अच्छा नहीं बनाया, पता नहीं क्यों। ठीक है, मतलब पानी की कमी थी, बाकी तो सब ठीक था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आओ कीर्ति नगर पे,
और यहाँ सर्विस कराओ, ठीक ही है। मतलब यहाँ पे कोई रोड का टाइप बंदा नहीं मिला है मेरे को, जो भी करवाया उन्होंने एक के बारे में कर दिया। तो आगे चलते हैं कि और क्या खाते पीते हैं। चलो छोले कुलचे। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही था। बाइक के सारे सर्विस हो चुके हैं, अभी जो भी इसमें मतलब कैसे कैसे चेंजेस मेरे को लगी है, मतलब फर्स्ट सर्विस के बाद बाइक कैसे चल रही है। तो अभी खास मैं अपने घर पे भी आ चुका हूँ। अभी टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है तेरा 5:10। 5:10 हो रहा है, तो लगभग 5 बजे तक हम घर में आ चुके हैं। मतलब मैं अपने घर के आसपास हूँ, अभी तो दोस्त के घर के घर पे खड़ा हूँ मैं। तो वैसे सही बताओ तो फर्स्ट सर्विस के बाद जब इंजन ऑयल इसका चेंज होता है, गियर से काफ़ी स्मूथ हो चुके हैं अभी फर्स्ट में। तो वैसे देखता आगे कितना और सही रहती है भाई। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। साथ ही साथ इस कैमरामैन जरा फोन अपनी तरफ घुमाइए, काफ़ी शर्मा आते हैं। इसके लिए भी आप एक बार इसके लिए भी आप जरा वीडियो आप सब्सक्राइब कर देना। ये देखो कितना प्यारा सा बच्चा है ये अपना कैमरामैन है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।